फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं ऑर्चिड फोर्ड शोरूम NH58 परतापुर बाईपास मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट .tv। मुंबई विख्यात है इस बात के लिए कि वहां एक सेकंड के लिए भी लाइट नहीं जाती। अगर जाती भी है तो अगले दिन वह खबरों की दुनिया में सुर्खियों में होती है। लंबे समय बाद आज एकाएक ही 10:15 विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। इसका कारण मुंबई महानगरीय क्षेत्र में ग्रिड फेल होना बताया गया है। मुंबई के पूर्वी, पश्चिमी, उपनगर और ठाणे के कुछ हिस्से में बिजली गुल हो गई है। इसके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ग्रिड फेल होने का असर लोकल ट्रेन पर भी पड़ा है। बताया जा रहा है कि कलवा स्थित टाटा पावर के सेंट्रल ग्रिड के फेल होने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है। मुंबई में बिजली की बहाली में 1 घंटे का समय लग सकता है। ग्रिड फेल होने के कारण मुंबई सिटी और उसके उपनगर में बिजली नहीं है। सेंट्रल, ईस्टर्न और वेस्टर्न लाइन पर ट्रेन सेवा बाधित है। मुंबई प्रणाली को बिजली की आपूर्ति के लिए लाइन और ट्रांसफार्मर पर कई ट्रिपिंग है। मुंबई में 360 मेगावाट की विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई है। पूरे मुंबई में बिजली गुल है। बिजली की आपूर्ति को लेकर फिर से शुरू करने के लिए काम किया जा रहा है। मुंबई में ग्रिड फेल होने से मुंबई लोकल की रफ्तार भी थम गई है। चर्च गेट से वसई रेलवे स्टेशन के बीच पश्चिमी रेलवे की लोकल ट्रेनें बंद हो गई हैं। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी 400 केवी कलवा पड़गा MIS सेंटर में रखरखाव का काम कर रही है। जब मुंबई और ठाणे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति को प्रभावित करने का काम चल रहा था, तब तकनीकी गड़बड़ी हुई थी। मुंबई में राज्य सरकार द्वारा संचालित बेस्ट, अडानी इलेक्ट्रिसिटी और टाटा पावर सहित कई ऑपरेटर बिजली सप्लाई का काम करते हैं। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।